वो क्या कंप्लेंट आया था रे रात को, इसका एसी चालू नहीं हो रहा है। ये तो पूरा कंप्लीट एसी नया हमारे डाई क्लीन का, इससे क्या हो सकता है प्रॉब्लम? ये देख पूरा कंप्लीट सही। आईएफपी की तरह अगर डाई क्लीन का ये आ गया ना, एसी का कंप्लेंट तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। ये देख चालू करता हूँ, इसका स्विच चालू करना पड़े। रिमोट से ये तो नॉर्मल ऑन ऑफ है, इसे ऑन ऑफ करेंगे। ये देखो ये तो ऑन हो गया, टेम्परेचर कम कर देंगे। इसका ब्लोअर स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक। ये तो एसी बंद हुआ, इसका क्या हो गया? ये तो ब्लोअर अभी स्टार्ट हुआ है फिर से। एसी का प्रॉब्लम है क्या रे? एसी का प्रॉब्लम है रे, मुझे ऐसा लगता है। ये अभी स्टार्ट कर दिया तो मैंने फिर से बंद हो गया। अभी तो स्टार्ट हो गया, टेम्परेचर फिर से एक बार कम कर लेता हूँ। 23, 22, 23, 21, 20, 16 पे यहाँ पे तो सब सही दिखा रहा है। पावर चिल्ड ऑन ऑफ मोर टेम्परेचर, फैन, फैन पे थोड़ा कर लेते। फैन फैन तो पूरा स्पीड हाई पे है, रख दिया मैंने। फैन का तो पूरा हाई स्पीड है। ऑफ कैंसल, ऑन ऑफ, हैमर तो ऑफ है। एसी तो चल रहा है रे, इस पर शायद डिस्प्ले नहीं दिखा रहे रे वो, समझ गया ना आप? और वो शायद डिस्प्ले का प्रॉब्लम नहीं रहता है। एसी तो बहुत अच्छा है, देखेंगे अभी तो कूलिंग कितना तो होता है। वही मैं सोचा डाई क्लीन का कैसे हो सकता है, क्योंकि C6 तो पूरा नया है। ये देख ब्लोअर भी अच्छी तरीके से घूम रहा है। ये देख इस पे, यहाँ पे लिखा भी है देख, अगर पावर चिल्ड चाहिए ना, पावर चिल्ड, इधर यहाँ पे पावर चिल्ड मोर इकोनॉमी स्विंग, स्विंग करके देखेंगे। ये हो रहा है ना, कोल्ड तो हो रहा है, कूलिंग तो हो रहा है ना। थोड़ी देर रुकेंगे उसको 5-10 मिनट, क्योंकि टेम्परेचर अगर एक बार अपने आप बंद होता होगा तो। एसी का ही कंप्लेंट किया था टीवी का, तो ये तो नया चीज मेरे, इसका क्यों कंप्लेंट आना चाहिए? उसने वो आके गया था इधर रूम में, वो शायद गेस्ट को लगा होगा, डिस्प्ले दिखाते रहे, इसका डिस्प्ले नहीं दिखाते कभी कभी, ऐसा रहता है। कूलिंग देख रहे हैं, गेस्ट को डिस्प्ले से क्या फर्क पड़ता है? कूलिंग तो है ना, ये देख तेरे को लग रहा है ना कूलिंग? उधर लग रहा है, उधर देख रहे हैं ना, सामने सामने से पता चल जाएगा सर। ये तो एसी सॉलिड ही है हमारे, क्या दिखता है एसी? नहीं अभी तो स्टार्ट हुआ है कूलिंग ना, रिमोट में नहीं, 16 पे रखा है मैंने, 16 पे रखा है, 16 पे मतलब हाई कूलिंग। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा रे, बोले ए सी तो डाई क्लीन तो है, 3 स्टार है यार इसका। ये सब रूम में तो ये भी ए सी डालेगा बोलता है। ये अभी जो 10 AC लाया है ना, किस लिए मालूम है तेरे को? क्योंकि अब सब में रूम में चेक करेगा ये एसी, अगर ये इसका सही रहेगा ना, कुछ कंप्लेंट नहीं रहे। आई बी का तो बहुत कंप्लेंट आया ना, इसकी वजह से चेंज होता। अभी तो कूलिंग तो आ रहा है, कूलिंग का तो का प्रॉब्लम नहीं। टीवी भी चल रहा है ना, टीवी भी चल रहा था ना, टीवी का चैनल देखा ना, कूलिंग तो सॉलिड है। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन ऑफ लिखा है, और क्या है, सिग्नल दिखा है, ये बटन नहीं है सर, ये ऑन ऑफ वो डायरेक्ट, कभी कभी अगर रिमोट नहीं चल रहा तो इसे बंद कर सकता है एसी। ये है
ये कर सकता है ना। हाँ इमरजेंसी है वो, लाख याद रख इमरजेंसी है। हाँ और डिस्प्ले का मुझे तो नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम है। कूलिंग तो हो रहा है लेकिन स्लो हो रहा है। नहीं अभी तो स्टार्ट हुआ है कूलिंग होगा अभी तो। अरे कम से कम तेरे को 10-15 मिनट हो चाहिए मेरे इतना बड़ा रूम को कूलिंग कूलिंग करने के लिए ना। ये रूम देख कितना बड़ा है तो उसके अंदर कूलिंग तो 5-10 मिनट रुको, 5 मिनट रुको रुको खाले 5 मिनट, क्योंकि अगर उसने उसके अंदर रूम डाल दिया तो थोड़ी देर पे रुक तो 5 मिनट बैठ उधर तो वही ना। अभी रूम डालेगा तो मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए ना। नहीं ना बात तो मेरे को आके बुलाएगा वो गौतम तू जाके चेक कर, इसलिए तू 5 मिनट रुक और 5 मिनट देखेंगे हाँ थोड़ा उसके तू बैठ तब तक तेरे को उधर काम है क्या अर्जेंट। हाँ तो काम नहीं तो बैठ आ रहा टेंशन है। टीवी चालू कर रहे थे, टीवी चालू करके दे उसे पर कूलिंग मेरे को एक बार अच्छी तरीके से चेक करके मुझे उसको देना है। मेरे पास फ्लोर तो अच्छी तरीके से घूम रहा है, फ्लोर का प्रॉब्लम नहीं है। डाइकिन वाला अच्छा है, उनका सारा प्रॉब्लम आता नहीं कुछ भी। मेरे को समझ नहीं आ रहा अविनाश ने क्यों किया ऐसा, ये इतना अच्छा है उसको समझ में नहीं आया होगा पागल कुछ। इसकी वजह से उसने रूम इसको शिफ्ट किया रे, बोलता है शिफ्ट किया रूम शिफ्ट हुआ रे। ओके देखेंगे थोड़ा इसको क्या होता है, इसका क्या प्रॉब्लम होगा। चलता है थोड़ा पावरफुल पावर चिल्ड के ऊपर देखेंगे। हाँ ये देखिए पावरफुल चिल्ड, अबे पावरफुल चिल्ड करके ऑप्शन चालू कर दिया। अभी देखेंगे इसके ऊपर चिल्ड पावरफुल चिल्ड होता है। यस ये ऑप्शन भी चालू कर दिया, देखना पड़ेगा ये सही क्या नहीं। इतना बड़ा रूम के अंदर ये एसी तो कूलिंग होगा रे। यस अभी तो कूलिंग आ रहा है, पावरफुल चिल्ड ऑप्शन दे दिया तो कूलिंग आ रहा है। इसका प्राइस कम से कम मुझे लगता है कितना हो जाएगा, 30-40,000 एक साल का वारंटी रहेगा। बेडरूम ये कूलिंग यस, इन्वर्टर भी, ये भी इन्वर्टर का ऐसे क्या है। ये देखो अभी पूरा पावर चिल्ड ऑप्शन जो रहता है इसके अंदर वो लगा दिया मैंने। अभी तो ये होना चाहिए कूलिंग पूरा कंप्लीट। चालू कर हो अभी जो पावरफुल चिल्ड जो रहता है ना ए वो ऑप्शन लगा दिया, अभी तो चालू करके देख। पूरा चिल्ड ये स्विंग, ये स्विंग भी हो रहा है ना ऐसे। हाँ देखते अभी तो एसी तो परफेक्ट है, एसी का कुछ प्रॉब्लम नहीं। यस एसी सही है।